नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। खबर लखनऊ से है, जहां पर नगर निगम ने चलाया है अतिक्रमण विरोधी अभियान। ऐशबाग स्टेशन के सामने चला बुलडोजर। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां नगर निगम ने अभियान चलाया है, अवैध तरीके से फैले अतिक्रमण को कराया साफ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये खबर लखनऊ से है, जहाँ पर नगर निगम ने अतिक्रमण अभियान चलाया है। नगर निगम टीम का लोगों ने विरोध किया। बता दें कि नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, जिसका लोगों ने विरोध किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खबर लखनऊ से है, ऐशबाग स्टेशन के सामने चला बुलडोजर। अवैध तरीके से फैले अतिक्रमण को कराया गया साफ। नगर निगम ने अतिक्रमण अभियान चलाया, जिसका नगर निगम की टीम का लोगों ने विरोध भी किया। तस्वीरों में आप सीधा तौर पर देख सकते हैं। बता दें कि ऐशबाग स्टेशन के सामने बुलडोजर भी चलाया गया। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर नगर निगम ने अतिक्रमण अभियान चलाया, ऐशबाग स्टेशन के सामने बुलडोजर भी चलाया गया है। तस्वीरों में आप सीधा तौर पर देख सकते हैं, अवैध तरीके से फैले अतिक्रमण को भी साफ कराया गया है। खबर गोंडा से है, जहां पर रोडवेज कर्मियों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन का मामला सामने आया है। 19 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। निरीक्षक पिंटू यादव की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। खबर गोंडा से है, डगामार वाहन संचालकों से परेशान थे रोडवेज कर्मी। अभद्रता का आरोप लगाते हुए रोडवेज कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खबर गोंडा से है, जहां पर रोडवेज कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुजीब आलम जुड़ चुके हैं। मुजीब, बताया जा रहा है कि रोडवेज कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया है, आखिर क्यों? आपको बता दें कि परसों 25 तारीख को दोपहर में पुलिस से और क्या नाम है रोडवेज कर्मचारियों से कुछ कहा सुनी हुई, जहां पे कोतवाल ने कुछ अभद्रता की वहां पे पुलिस कर्मी से, इन दोनों में काफी नोकझोंक हुई, जिसके बाद में उन लोग चक्का जाम कर दिया था। चक्का जाम करने के बाद में आज उन लोगों के ऊपर 17 नामजद बाकी और अज्ञात के ऊपर FIR दर्ज की गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुशीब। संदिग्ध अवस्था में मिला किशोरी का शव। खबर कन्नौज से है, जहां पर संदिग्ध अवस्था में किशोरी का शव मिला है। स्कूल जाने के लिए निकली थी किशोरी। बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज से जहां पर स्कूल जाने के लिए किशोरी निकली थी, लेकिन बाद में उसका शव मिला। आगरा एक्सप्रेसवे पर मिला किशोरी का शव। लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर किशोरी का शव मिला है। मामले की जाँच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। खबर कन्नौज से है, जहाँ पर स्कूल के लिए निकली किशोरी का शव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मिला है। मृतका सौरिक थाना क्षेत्र का, ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर कन्नौज से सामने आ रही, जहां पर संदिग्ध अवस्था में मिला किशोरी का शव। बता दें कि स्कूल जाने के लिए किशोरी निकली हुई थी, जिसका शव लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर मिला है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। स्कूली बच्चों का वैन को धक्का देते वीडियो वायरल हो रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां पर स्कूली बच्चे वैन को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में स्कूली बच्चे गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे वैन गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। बच्चे वैन को धक्का देकर पेट्रोल पंप पर पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये खबर लखनऊ से है, IIM का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो, जहाँ पर स्कूली बच्चे वैन गाड़ी को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, स्कूली बच्चे वैन को धक्का देते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए स्कूली गाड़ियों को लेकर के, तो साफ तौर से कहा जाता है कि स्कूली जो गाड़ियां हैं वो लगातार फिटनेस में पूरी तरीके से हो। जब भी बच्चों को स्कूल लेने जाती हैं तो जाहिर सी बात है उनका पेट्रोल और जो CNG गैस है वो पूरी तरीके से फुल होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज एक तस्वीर सामने आई कि जो स्कूली बच्चे हैं वो छोटे बच्चे हैं वो लगातार स्कूली वैन को धक्का देते हुए पेट्रोल पंप पर ले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि जो चालक हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, और इस मामले को लेकर के जो स्कूल संचालक हैं वो इस मामले को लेकर के किसी तरह की सक्रियता भी नहीं बरत रहे, क्योंकि जिस तरीके से हाईवे पर
धक्का देते हुए वो पेट्रोल पंप पर ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर इस समय कोई हादसा होता तो आखिर उस हादसे का जिम्मेदार कौन होता? क्या इस हादसे की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन लेता या फिर वो जो चालक है वो लेता? तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से स्कूल प्रशासन की जो लापरवाही है वो लापरवाही की एक तस्वीर है ये सामने, और इस लापरवाही को लेकर कहीं ना कहीं एक अभियान बड़ा चलाना चाहिए जिससे जिसको लेकर के जो चालक है उनका भी फिटनेस की बात की जाए, उनकी गाड़ियों की फिटनेस की बात की जाए, तो वो सभी चीजें परखनी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धर्मगुरुओं की अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस की गई खबर लखनऊ से है, जहां पर धर्मगुरुओं ने कॉन्फ्रेंस की है की जाएगी। कैसरबाग स्थित गांधी भवन में धर्मगुरुओं की कॉन्फ्रेंस की जाएगी, खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्मगुरुओं की कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर कई धर्मगुरुओं की कॉन्फ्रेंस की जाएगी। थोड़ी देर में कॉन्फ्रेंस में सुन्नी शिया और तमाम धर्मगुरु शामिल होंगे। तो खबर लखनऊ से है, जहां पर धर्मगुरुओं की अमन व इंसाफ की कॉन्फ्रेंस की जाएगी थोड़ी ही देर में। बता दें कि कैसरबाग स्थित गांधी भवन में धर्मगुरुओं की कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, इस धर्मगुरुओं के कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में सुन्नी शिया और तमाम धर्मगुरु शामिल होंगे।